आपके साथ नेहा परिहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। नवरात्रि के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। जगह जगह माँ की झांकियां भी सजती हैं। दूर दराज से लोग माँ को ये दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते लोग घरों में रहकर ही माँ की आराधना कर रहे हैं। तो वहीं इस बार दुर्गा अष्टमी और महानवमी की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा की स्थिति है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे इन तिथियों की सही तारीख और सही समय। हिंदी पंचांग के आधार पर तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों की तरह 24 घंटे की नहीं होती हैं। ये तिथियां 24 घंटे से कम और ज़्यादा हो सकती हैं। कई बार ये तिथियां एक ही तारीख को पड़ जाती हैं, जिससे दो व्रत या त्यौहार एक ही दिन पड़ जाते हैं। इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 पर हो रहा है, जो अगले दिन 24 अक्टूबर सुबह 6:58 तक रहेगा। ऐसे में इस साल महाअष्टमी का व्रत 23 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। माँ गौरी की चार भुजाएं हैं, वो अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, तो वहीं दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है, तो चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ गौरी का वाहन वृष है। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धदायत्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। नवरात्र के नवे दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के 8वें और 9वें दिन देवी के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का भी विधान है, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देता है। इस साल शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 24 अक्टूबर को करना होगा। हालांकि महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही तिथियों को कन्या पूजन किया जाता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। माता रानी की कृपा आप सभी दर्शकों पर ऐसे ही असीम बनी रहे। जय माता।